हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग में। ये मेरा पहला ब्लॉग है। इससे पहले मैंने दो चार वीडियो शूट किया था लेकिन अपलोड नहीं कर पाया कुछ कारणों से। का ब्लॉग बहुत ही खूबसूरत होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों को कुछ खूबसूरत नज़ारों का सैर कराने वाला हूँ, झारखंड के पहाड़ों का सैर कराने वाला हूँ। लोग अक्सर कहते हैं कि झारखंड में जंगल और झाड़ ही है, तो आज मैं आप लोगों को वही जंगल और झाड़ दिखाने वाला हूँ। ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप लोग, पहाड़ है, एक पहाड़ है, तो हम लोग उसी पहाड़ पर जाने वाले हैं। अभी शाम के 4 बज रहे हैं, हम लोग निकल चुके हैं घर से। जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ मेरे घर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखिए मेरी गाड़ी सुपर स्प्लेंडर, मैं इसी गाड़ी से आया हूँ। हम दोनों हैं, मेरा कज़न है और मैं आया हूँ। तो चलिए आप लोग को ले चलते हैं उस पहाड़ पर। हम लोग फाइनली वो जगह पे आ गए हैं। ये पीछे मेरा गांव है, मतलब यहाँ का गांव है। गांव के इस साइड है पहाड़, ये है रास्ता हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। ये वाला रास्ता, ये वाला बाएं बाएं यहाँ, ये वाला कौन सा, वो नीचे जाती है शायद। चलो गाड़ी बाइक हम लोगों को वहाँ नीचे गांव में रखना पड़ा। बुल भाई साहब कुछ मत बोलना। चलो बुल भाई कुछ नहीं बोले। कितनी शांति है यहाँ। जब मैं आप लोगों को ऊपर ले जाऊंगा तब बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि ऊपर से कुछ और ही दिखता है। देखिए हम लोग उस जगह पे चढ़ने वाले हैं। अब है ये मुश्किल वक्त क्योंकि हम लोगों को अभी उस ऊंचाई पर चढ़ना है जो कि हमको नहीं लगता है कि हम लोग चढ़ पाएंगे। इंसान का कुछ अता पता नहीं है। अगर कोई सामने से जंगली जानवर आ गए तो फिर हम लोगों की खैर नहीं, क्योंकि मैं कौन, ये रास्ता किधर, जंगल के बीचों बीच से जा रहे हैं हम लोग, कोई नहीं है। ये कि ये दो दो रास्ता यहाँ हर जगह, एक ये एक ये। तो थोड़े ही ऊपर हम लोग आए हैं, देखिए नीचे हालत बहुत टाइट है। ऊपर उठते उठते हालत खराब हो गया। ये देखो मिल गया, ये है रास्ता। देखिए थोड़ी ऊंचाई पर हम लोग आए हैं जो कि क्या बताएं। ये देखिए व्यू, खूबसूरत नज़ारे जिसकी मैं बात कर रहा था। हो, इसी की मैं बात कर रहा था दोस्तों, कितना खूबसूरत नज़ारा है। हालांकि हम लोग अभी आधे रास्ते पर हैं और पूरा पसीना पसीना हो चुके हैं। अभी और आधा रास्ता चढ़ना बाकी है। ऊपर से नज़ारा पता नहीं कैसा होने वाला है, जो आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मेरा पसीना आप लोग देख सकते हैं कि मैं पूरा पसीना पसीना हो चुका हूं। गर्मी बहुत है यहाँ, और पीछे मेरे देख सकते हैं व्यू आप लोग, कितना खूबसूरत है ना। अभी और भी आधा रास्ता हम लोग को जाना है, मैं और मेरा कज़न है। हालत बहुत टाइट है ये। पिछली बार जब हम लोग आए थे तो इसी रास्ते पर शायद गुलाब जैसा कुछ फूल था, पता नहीं इस बार नहीं है। ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था वो अभी
नन्हे हैं, छोटे छोटे, जो कि शायद खिलने वाले हैं कुछ ही दिनों में। किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा है ना। क्या खूबसूरत व्यू है। पसीना, मेरा पसीना को इग्नोर कीजिए, देखिए कितना खूबसूरत व्यू है पीछे। बस कुछ ही दूरी है, हम लोग चढ़ चुके हैं। ओहो, और एक ढलान। कभी आइए आप लोग भी, इस पैर के दर्द का मजा लीजिए। तो हम लोग यहाँ थोड़ा अभी ब्रेक लेने वाले हैं, यहाँ कुछ देर आराम करना है, फिर चढ़ाई शुरू करेंगे। हालत टाइट हो गया भाई, पूरा पूरा मैं बहुत थक चुका हूँ। Hey guys, eco-friendly. मेरे गमछे में तितली बैठ गई है, जो अभी भागने को मजबूर है। क्या बोलते हो? हेलो हेलो तितली जी, हेलो, मैं आपके जंगल में आया हूँ, कुछ कहोगे आप हमसे? तो हम लोग आराम कर चुके हैं, 10 मिनट, लगभग 10 मिनट हो गया है। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं, तो अभी थोड़ा और चढ़ना बाकी है, जो कि हम लोग पीछे देख सकते हैं। आप लोग लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं, ये देखिए। तो फाइनली गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं ऊपर पहाड़ के ऊपर। ये देखिए, यहाँ से अभी धूप बहुत है, इसीलिए यहाँ का व्यू थोड़ा अच्छा नहीं है, ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर शाम को यहाँ आते तो खूबसूरत लगता। तभी बहुत धूप है, यहाँ अभी शाम के 5 बज रहे हैं। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ आए थे तो यहाँ ज़्यादा जंगल झाड़ नहीं था, अभी पूरा जंगल झाड़ हो चुका है, इसलिए और ऊपर हम लोग नहीं जा सकते। ऊपर एक पत्थर है बहुत बड़ा सा, उसके ऊपर से नीचे का व्यू बहुत मस्त आता है, लेकिन अभी हम लोग ऊपर नहीं चढ़ सकते, थोड़ा सा पोपट हो गया। तो नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो आप लोगों को ऊपर का सैर भी कराऊँगा। तो गाइस, हम लोग उतर चुके हैं, और उतरने में भी हालत पता ही आप लोग को। ये देखिए, इस पहाड़ पर हम लोग चढ़ चुके थे और उतर चुके हैं अभी। जो दिखाना चाह रहे थे आप लोग को वो दिखा नहीं पाए जंगल झाड़ की वजह से। तो गाइस, कैसा लगा हम लोगों का ये एडवेंचर, मिनी एडवेंचर? तो अगर वीडियो अच्छी लगी आप लोगों को तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं तब तक अगले व्लॉग में। जय हिंद, शुक्रिया।